प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि किसी कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहे हैं और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही चेहरा है, कोई दो चेहरा या तीन चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहां दिख रहा है। नंबर टू, उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है। मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज, तो आप लोग देखिए वीडियो, विशाल ने कृतिका को भी यही चीज बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। तो प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकाले। भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा, उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड वी आर प्राउड ऑन ही। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। एंड ऐसा नहीं होता, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर कच्चा बादाम, हमेशा पड़े रहते हैं। अगर भाई ठीक है, उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलकर एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। गलत का साथ बिल्कुल मत देना, जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, जो सही अगर है उसका आप लोग साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। थैंक यू।